इस गोरिल्ला ने बताया था कि जानवर मरने के बाद कहाँ जाते हैं। इसका नाम था कोको, जिसे साइन लैंग्वेज सिखाई गई थी, जिससे वो इंसानों के साथ कम्युनिकेट कर पाती थी। फ्रांसिन पैटरसन, जो कि कोको की ट्रेनर और सबसे करीबी शख्स थी, उनसे जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि कोको के साथ उनकी बातचीत कितनी गहरी होती थी, तब उन्होंने जवाब दिया कि एक बार जब कोको की देखभाल करने वाले ने उसे एक इंसानी कंकाल दिखाया और पूछा कि क्या यह जिंदा है, तब कोको ने कहा कि नहीं, ये मरा हुआ है। तब उसने पूछा कि जानवर मरने के बाद कहाँ जाते हैं। कोको ने कहा कि कंफर्टेबल होल में। इस कहानी ने सभी को चौंका दिया। आखिर कंफर्टेबल होल से कोको का क्या मतलब था?